नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ साहब ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। और जरा एक बार याद करिए, सरकार क्या कहती है। सरकार ये कहती है कि कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है और इसलिए महंगाई अगर बढ़ाई जा रही है, उससे आपकी कमर पर कोई असर पड़ रहा है तो उसको झेल लीजिए। सरकार आपसे ये कहती है, महंगा डीजल पेट्रोल खरीदिए, महंगी रसोई गैस खरीदिए, महंगा दाल चावल चीनी सरसों का तेल खरीदिए, महंगा दूध खरीदिए। लेकिन सरकार आपके टैक्स के पैसे करोड़ों रुपए उड़ा रही है गोदी मीडिया को करोड़ों रुपए का सरकारी विज्ञापन दिया गया है। और वो भी कब? वो तब जब आप एक एक पाई के मोहताज हो गए थे, जब लोग मर रहे थे उस वक्त में अपनी छवि चमकाने के लिए सरकारी पैसा दिया गया, सरकारी विज्ञापन दिखाने के लिए। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है और ये खबर ब्रेक की है, इस पर स्टोरी की है न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर स्टोरी की है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में यूपी सरकार ने टीवी विज्ञापन पर 160 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। महामारी के दौरान कोरोना की वजह से लोग तड़फ रहे थे, मर रहे थे, और वो तस्वीरें आपको क्यों नहीं दिखाई जा रही थी टीवी पर, उसकी वजह समझ में आई आपको। ये 160 करोड़ रुपए आपकी आवाज को उठने नहीं दे रहे थे, दबा रहे थे। ये खबर ब्रेक की है। ये खबर जो है वो एक आरटीआई लगाई गई उमाशंकर दुबे की तरफ से। उमाशंकर दुबे लखनऊ के रहने वाले हैं और डीडी न्यूज के पत्रकार हैं। उन्होंने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में ये सामने आया कि कोविड महामारी के दौरान ये 160 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से खर्च किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये खबर आप देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में विज्ञापन के लिए टीवी समाचार चैनलों को 160 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया। 160 करोड़ रुपए 31 लाख ये भुगतान हुआ है। तो किस तरह से जो है ये सारा समय ये एक आरटीआई के जरिए जो है इसका खुलासा हुआ है, इसमें ये जो खुलासा हुआ इसमें कहा गया है 88 करोड़ 68 लाख रुपए वो राष्ट्रीय टीवी चैनलों को दिए गए हैं, जबकि 71 करोड़ 63 लाख रुपए ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के चैनलों को। इतना पैसा मिला 71 करोड़ रुपए और 88 करोड़ रुपए जो है वो राष्ट्रीय चैनलों को मिला है, इसीलिए जो है वो आपकी खबर नहीं दिखाई जाती है। सबसे ज्यादा पैसा मिला है न्यूज 18 को सबसे ज्यादा पैसा मिला है और इसको पैसा मिला है 28 करोड़ रुपए इसको मिला है। दूसरे नंबर पर है जी मीडिया को 23 करोड़ रुपए मिला है। एबीपी न्यूज तीसरे नंबर पर है, 18 करोड़ रुपए मिला है और इंडिया टुडे ग्रुप को 10 करोड़ रुपए मिला है। तो इस तरह से जो है वो पैसा मिला है, लेकिन आप जान करके चौंक जाएंगे कि किस तरह से एनडीटीवी जैसे चैनल को सरकार की तरफ से कितना पैसा दिया गया है, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और एक आपको ग्राफिक दिखाएंगे, टेबल दिखाएंगे, आंकड़े दिखाएंगे कि किस किस चैनल को कितना कितना पैसा मिला है। वहां पर 10वें नंबर तक भी कहीं पर एनडीटीवी का नाम नहीं है। सुदर्शन जैसे चैनल को पैसा मिला, लेकिन एनडीटीवी जैसे चैनल को पैसा नहीं मिला है। अब आप ये देख लीजिए, हिंदी न्यूज चैनल में न्यूज 18 को मिला है 10 करोड़ 96 लाख रुपए, करीब करीब 11 करोड़ रुपए। आज तक को मिला है 10 करोड़ रुपए, इंडिया टीवी को 9 करोड़ रुपए, जी न्यूज को 8 करोड़ 69 लाख रुपए, रिपब्लिक भारत को हिंदी वाले को 8 करोड़ रुपए मिला है, एबीपी न्यूज को 7 करोड़ रुपए मिला है, न्यूज नेशन को 5 करोड़ रुपए मिला है, न्यूज 24 को 3 करोड़ 52 लाख रुपए, इंडिया न्यूज को मिला है 2 करोड़ 92 लाख रुपए यानी करीब 3 करोड़ रुपए, और सुदर्शन न्यूज को मिला है 2 करोड़ 68 लाख रुपए। सुदर्शन ने चैनल को भी दे दिया, लेकिन एनडीटीवी को सरकारी विज्ञापन में कितना पैसा मिला रिकॉर्ड ही नहीं मिल पा रहा, यानी इससे भी नीचे। अगर 10वें नंबर से ऊपर होता, सुदर्शन की अहमियत जो है वो योगी आदित्यनाथ की नजर में ज्यादा है, एनडीटीवी की नहीं है। ये आप देखिए, अब इंग्लिश के चैनल देख लीजिए, इनका पैसा लाख में है। टाइम्स नाउ, ईटी नाउ, मिरर नाउ, इनको मिला है 449 लाख रुपए,
व्यून को मिला है 120 लाख रुपए, रिपब्लिक टीवी इंग्लिश का उसको 95 लाख रुपए, न्यूज एक्स को 85 लाख रुपए, टाइम्स नाउ को 82 लाख रुपए, CNN न्यूज 18 को 54 लाख रुपए, इंडिया टुडे को 49 लाख रुपए, मिरर नाउ को 49 लाख रुपए, इंडिया अहेड को 18 लाख रुपए और ईटी नाउ को 15 लाख रुपए। तो ये पैसा मिला है। अब अगर ग्रुप के हिसाब से बात करें, ग्रुप के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा मिला है अंबानी के ग्रुप को। नेटवर्क 18 को सबसे ज्यादा पैसा मिला है 28 करोड़ 82 लाख रुपए, ये पैसा मिला है। जी न्यूज को मिला है 23 करोड़ 48 लाख रुपए, एबीपी न्यूज को मिला है 18 करोड़ रुपए, इंडिया टुडे को 10 करोड़ रुपए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को 9 करोड़ रुपए, आईटीवी नेटवर्क को 7 करोड़ 24 लाख रुपए, टाइम्स नाउ ग्रुप को 5 करोड़ 97 यानी करीब करीब 6 करोड़ रुपए ये मिला है टाइम्स ग्रुप को। तो किस तरह से आपका पैसा 160 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा है, ये पैसा योगी आदित्यनाथ साहब ने लुटा दिया, पानी की तरह से लुटा दिया गोदी मीडिया के ऊपर। और सोच करके देखिए, ये पैसा तो कोरोना महामारी के दौरान लुटाया गया 160 करोड़ रुपए, अब चुनाव का समय है, ये तो पिछले साल का डाटा है, अब के साल में कितना पैसा लुटाया जाएगा? ये 160 का 320 हो जाएगा या 480 हो जाएगा या 1000 करोड़ रुपए हो जाए तो भी कोई जो है वो आश्चर्य मत कर, क्योंकि अब चुनाव का समय है, जितना जिसको चंदा दिया जाएगा वो उतना गुणगान करेगा। सोच करके देखिए कि किस तरह से इन चैनलों को खरीद लिया गया, सरकारी विज्ञापन के नाम पर इनको खरीद लिया गया है कि हमारी ही खबर दिखानी है, हमारी ही छवि चमकानी है, इसीलिए इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई सरकारी कार्यक्रम हो, कोई और पार्टी का कार्यक्रम हो, वही सब कुछ चलता है, इन्हीं के भाषण चलते हैं, विपक्ष के नेताओं को फिर कहां पर जो है वो दिखाया जाएगा, सवाल ये है। लेकिन किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है पैसे का, वो सब आपके सामने है। और बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से एनडीटीवी जैसे चैनल को सुदर्शन से भी नीचे रख दिया गया। आप बताइए कि क्या ये सही है, जबकि एनडीटीवी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दो दो चैनल हैं और उसके साथ साथ सच्ची खबरें दिखाता है। क्या सिर्फ वजह यह है कि सच्ची खबरें दिखाता है इसीलिए नाम नहीं आ रहा है? और दूसरी तरफ भारत समाचार जो कि रीजनल चैनल है उसके ऊपर छापे, दैनिक भास्कर उसके ऊपर छापे, ये सब कुछ हो रहा है। तो सब देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से पैसा जनता का है, नाम अपना चमकाना है और इसलिए पैसा लुटाया जा रहा है। आप लोग भरवाते रहिए 110 रुपए का पेट्रोल, देते रहिए सरकार को टैक्स और कहते रहिए कि हाँ सरकार के पास में पैसा नहीं है, अब क्या करें, हम अपना जेब नहीं कटवाएंगे तो सरकार कहां से पैसा लाएगी? सरकार आपकी जेब से पैसा लाएगी और सरकार इन लोगों को पैसा देगी और फिर ये लोग बताएंगे कि देखिए सरकार ने आपके लिए कितना अच्छा काम किया। सोच करके देखिए, ये क्रोनोलॉजी को भी सोच करके देखिए, दुख होता है वाकई कैसे जनता का खून चूसा जा रहा है, जनता का पैसा जनता के काम में नहीं आया, उसको दवाई इंजेक्शन नहीं मिला, कोरोना के अंदर वो तड़प तड़प करके मर गए, गंगा के अंदर लाशें तैरती रही, लोगों का अंतिम संस्कार तक सम्मान से नहीं हो पाया, लेकिन उस समय पर किस तरह से 160 करोड़ रुपए लुटा दिए गए पानी की तरह से, क्योंकि अपनी छवि चमकानी थी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ मतदाताओं के मोबाइल तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, कैसे उन्हीं के पैसे को उन्हीं के ऊपर खर्च ना करके उनके गोदी मीडिया के ऊपर खर्च किया जा रहा है ताकि छवि को चमकाया जा सके। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी